इस बीच एक अहम खबर और हमारे पास आ रही है। झारखंड में कैश मिलने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में जोरदार हमला बोला है। झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, हम पाई पाई बचाने में लगे हैं, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा हमला, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपनी एक चुनावी सभा में किया है और कहा है कि मोदी लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है। झारखंड में कैश मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, हम पाई पाई बचाने में लगे हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था किस तरह से नोटों के बंडल्स बरामद किए गए हैं ईडी की रेड में। झारखंड सरकार में मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके पीएस के नौकर के घर पर इस वक्त रेड चल रही है और भारी मात्रा में कैश वहां से बरामद किया गया है। इसका जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा में। क्या कहा गया है उनकी तरफ से, सुनिए। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, पूछा अमीर ओडिशा की जनता गरीब क्यों है, जनता को गरीब करने का पाप किसने किया, ये भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पूछा गया। कांग्रेस और बीजेपी ने लोगों को लूटा, ये भी उनकी ओर से कहा गया। इतने अमीर ओडिशा की जनता गरीब रह गई, ओडिशा अमीर है जनता गरीब है, इसका जवाब है ये पाप किसने किया, ये पाप किसने किया, ये पाप किसने किया, इसका जवाब है पहले कांग्रेस और फिर बीजेडी के नेताओं की लूट। ओडिशा में बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी बड़े बड़े बंगले के मालिक हो गए हैं।